सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी ने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया। मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है। हाँ, जांच पर सवाल उठाए हैं क्योंकि सीबीआई आने के पहले जांच ठीक तरीके से नहीं हुई है। सब लोग सबूतों, गवाहों, बयानों का ख्याल नहीं रखा गया है। जांच की दिशा गलत थी। हार्ड डिस्क की बात आ रही है, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, अब तक कुछ भी जाँच नहीं हुई। पुलिस ने इन सब एंगल्स को नहीं तलाशा। तो ये बात बीजेपी ने की कि आखिर किस दबाव में जो है मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही, क्या महाराष्ट्र प्रशासन का दबाव है। ये नहीं कहा कि उनकी हत्या के प्रकरण में आदित्य ठाकरे का नाम है, ये एक पहलू। दूसरा पहलू जो उन्होंने कहा कि आज सवेरे एक सचिन सावंत नाम के कांग्रेस के लीडर ने सवाल उठाया था कि मोदी, पीएम मोदी पे जो फिल्म बनी, उस फिल्म को संदीप सिंह ने बनाया था, संदीप सिंह के बीजेपी से कनेक्शंस है। अब इस पर, और देवेंद्र फडणवीस ने उसको पोस्टर लॉन्च किया था, वो तस्वीरें सामने आई थी कि वो तस्वीरें सामने जहाँ देवेंद्र फडणवीस वो लगाने गए थे, पोस्टर लॉन्च करने गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ये तो एक पीआर इवेंट था, मैं वहाँ पर गया था। बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म बनने वाली थी, उस फिल्म में भी वो थे, तो वो फिल्म के लिए तो क्या हम शिवसेना की सरकार है उस पर आरोप लगाएं। तो उनका ये कहना है कि वो एक फिल्म थी, इस बात को उन्होंने यहीं काट दिया। साफ है देवेंद्र फडणवीस को पछतावा होगा कि वो क्यों उस पोस्टर के लिए गए। और संदीप सिंह, वो उसे, उन्हें ना कांग्रेस अपनाना चाह रही है, ना बीजेपी, ना शिवसेना, ना बीजेपी, दोनों एक दूसरे की तरफ धक्का मार रहे हैं, कोई उन्हें ओन नहीं करना चाहता। मगर हाँ, आदित्य ठाकरे पर स्पष्टीकरण दिया फडणवीस ने, और संदीप सिंह पर भी, कि संदीप सिंह से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।